ये हो गए 700 रुपए, मेरे पास टोटल में 700 रुपए है। 700 रुपए। अरे वाह आयु, तेरे पास 700 रुपए, मेरे पास तो सिर्फ 300 रुपए है। आयु एक काम करेगी, मुझे 200 रुपए दे दे। क्यों क्यों? अरे यार ये देखो ना, मेरे पास 300 रुपए और मेरे पास 700 रुपए, अगर आप मुझे 200 दोगे तो मेरे पास हो जाएंगे, आपके भी पास हो जाएंगे, 50-50 एकदम बराबर हो गया ना। चल भग जा ऐसे, मैं तेरे को नहीं देने वाली हूँ 200 रुपए, अपने सारे पैसे खर्च कर देगी, फिर मेरे जमा हुए पैसों के ऊपर कूदेगी। ऐसे 200 रुपए की ही तो बात है। 200 रुपए क्या, मैं देखो 2 रुपए भी नहीं दूंगी। अरे यार दीदी प्लीज दे, मेरे को पका मत, तू जा यहाँ से। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। बात नहीं करा तो मत कर, तेरे बात करने के मैं देखो 200 रुपए दूंगी, कभी नहीं। कट्टी कट्टी, मैं आपसे बात नहीं करी, जा यहाँ से। कुछ भूला तो नहीं, छुप ले लिया ना मैंने। अरे हाँ मैं तो अनु आयु को बोलना ही भूल गई। अनु क्या है मम्मी? आयु कहाँ है? होगी अपने रूम में पढ़ रही होगी। अच्छा ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ नीलू आंटी से मिलने, आज मेरा बड़ा मन कर रहा है नीलू से मिलने को, तो रात को मुझे 10 भी बज सकते हैं। तुम दोनों अपना खाना लेके खा लेना और लड़ाई बिल्कुल मत करना, ठीक है? और ये मेरा फोन आज कुछ बैटरी इसकी खराब लग रही है मुझे, तो आयुष्का को बोलना कि सामने वाले मोबाइल की शॉप पे दिखा देगी इसको, और तुम लोग आराम से रहना, ठीक है? ओके। उसका किडनैप करने के बाद किडनैप करने धमकी भरे फोन कर करके उसके रिश्तेदार से 2 लाख रुपए की फिरौती। वाह क्या आइडिया दिया इस न्यूज़ वाले ने। आयु तू मुझे 200 रुपए नहीं दे रही ना, मैं तुझसे 750 रुपए वसूल करूंगी। मम्मी तो घर पे है नहीं, वो अपना फोन छोड़ के गई है और नीलू आंटी की घर है। अब तो 10 बजे आएंगी तो समझो मम्मी किडनैप। नो 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 नो, कभी कॉल करती। मम्मी का फोन है। जब से पैकेज सस्ता हो गया, घर में होते भी खाना खाने के लिए फोन से कॉल करके बोल जाते हैं। हेलो मम्मी। हेलो अपुन, तेरी मम्मी ने अपुन टकला मकान स्वामी बोल रहे हैं। कौन बोल रहे? टकला मकान स्वामी, तेरा माँ का किडनैपर। टकला मकान स्वामी? अब तो अपनी माँ का जान जाते तो तुम्हें फिरौती रकम देना पड़ेगा। मेरे पापा तो शहर के बाहर है और मम्मी को तो आपने किडनैप कर लिया है, मैं फिरौती की रकम कैसे दूंगी? तेरे मम्मा को सही सलामत पहुँचा दीजिए, 700 रुपए मांगता है। अरे आप तो चिरकुट किडनैपर निकले, लोग 5-6 लाख मांगते हैं और आप 700 रुपए। अपुन सामने वाले की औकात देके मांगता है। अपुन तेरे को वापस कॉल करेगा, कहाँ पैसा पहुँचा दे और कब पहुँचा दे बताएगा, ठीक है? काट दिया फोन। वाह मजा आ गया, अभी आयु आती होगी थोड़ी देर में। मैं क्या करूँ, मम्मी की क्या हालत होगी अभी? अनुष्का से ही पता लगाती हूँ। अनु 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 अनु, क्या हुआ आयु? मम्मी को मुझे टकला मकान स्वामी नाम के इंसान ने किडनैप कर लिया। मुझे अंडरस्टैंड किया ना, अब उसको यकीन हो
अपन टकरा मकान बोल रहे हैं, लगता है देखो अपनी मम्मा से प्यार में लेते हैं। नहीं नहीं बहुत प्यार है मम्मी से। तो कहे तो पुलिस को कॉल की? अरे आपको कैसे पता है पुलिस को कॉल करने वाली थी? नो 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 क्या पुलिस को पता है? अरे हाँ अपन किडनैपर है, कुछ मत करना, मेरे को बता दो 700 रुपए किधर और कहाँ पहुँचाना है। 700 रुपए नहीं, पूरे 1000 रुपए। 1000 रुपए क्यों? अपन किडनैपर है, गुस्सा आ गया, देश में महंगाई बढ़ रही है, पल पल भाव बढ़ रहा है, तो अपन भाव नहीं बढ़ा सकता के? Oh, no. और दूसरा तूने पुलिस को कॉल किया, मेरा दिमाग का भजिया बन गया रे रे, तो समझ इतनी पेनल्टी है, टाइम पर रकम पहुंचा देना। और हाँ अपन का भेजा फ्राई हो रहा है, बाद में कॉल करेगा, अपन कहते हैं क्या करूं मैं? अनु को ही पूछती हूँ। अनु मजा आ गया, मैं गलत हो गई। ओह नो आई आती होगी। अनु 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 वो टकले का फोन आया था। अच्छा हाँ पता नहीं कैसे पता चला कि मैं पुलिस में कॉल करने की बात कर रही थी। लगता है वो तुझे ऐसे खेल देख रहा है। दीदी मुझे लगता है आपको उसको 1000 रुपए दे देना चाहिए। एक सेकेंड, तुझे कैसे पता वो 1000 रुपए देने की बात कर रहा था? आपने बताया था ना उसका नाम टकला मकान, वो पल पल अपना भाव बढ़ाता रहता है। हाँ सही कहा तूने, मैं क्या करूँ अभी, मेरे पास तो सिर्फ 700 रुपए हैं, 300 रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी। अरे दीदी आप भूल गए, मेरे पास भी 300 रुपए, आपका पैसा मिला के मेरा पैसा मिला के 1000 हो जाएगा। अरे अनु तो कितनी अच्छी है, जब तू मुझे 200 रुपए मांग रही थी तो मैंने नहीं दिया, अब तो देख पूरे 700 रुपए देने पड़ रहे हैं। आयु पैसा हाथ की मैल होती है, वो जाती रहती आती रहती है, लेकिन मम्मा तो हमें वापस नहीं आ सकती ना। एकदम सही कहा, जा अपने 300 रुपए ला के दे दे। ठीक है दीदी मैं 300 रुपए लेकर आती हूँ। हे भगवान मम्मी की सुरक्षा कर, मम्मी को सेफ रखना, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ ही। अरे क्या हुआ ये, मुझे घूर क्यों रही तू? मम्मी आपको किडनैपर ने छोड़ दिया। हाँ? कौन सा किडनैपर? अरे वो टकला स्वामी, उसने आपको छोड़ दिया। कौन सा किडनैपर, कौन सा टकला स्वामी, मुझे किडनैप किया? अरे जो आपके फोन से मुझे कॉल कर करके फिरौती मांग रहा था। अरे मेरा फोन तो मैं अनु को देके गई थी। हाँ? बोला था उसका कुछ हल्का सा बैटरी का प्रॉब्लम था, मैंने बोला था अनु को कि वो आपको दे देगी सामने की दुकान पे दिखाने के लिए, दिया नहीं क्या तुम्हें? क्या? हाँ। ओ, समझ गई, किडनैपर कैसे आपके फोन से कॉल कर रहा था और वो मुझसे 700 रुपए क्यों मांग रहा था। मम्मा आप एक काम करो, आप वो पढ़ने के पीछे छुप जाओ। क्यों? अरे छुपो ना माँ प्लीज। क्यों? अरे माँ प्लीज छुप जाओ ना। अच्छा ठीक। दीदी दीदी दीदी। हाँ हाँ ये देखो 300 रुपए मिल गए, आप अपने 700 रुपए दो, मैं जाके 10-11 बजे तक मम्मा को छुटा के ला दूंगी। 10-11 बजे तक? अरे दीदी टाइम लग ही जाएगा ना, देखो मैं उनको पैसा दूंगी, वो पैसा काउंट करेंगे, फिर वो डील पक्का करेंगे, फिर मम्मा को सेफ छुड़ाएंगे, मैं उनको लेके आऊंगी, तब तक 10-11 बज ही जाएंगे। अच्छा एक काम कर, तू मुझे 300 रुपए दे दे, हमारे 1000 रुपए किडनैपर को दे दूंगी। नहीं 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 दीदी आप इतनी तकलीफ मत लो। अरे क्यों तकलीफ ना लू, अगर ये कुछ हो गया तो मम्मी पापा क्या कहेंगे, वो कहेंगे मुझे इतना पार पोस के बड़ा कर दिया और बेचारी अनु को भेज दिया। ठीक है अभी दे देती हूँ, मम्मा को रात के 10-11 बजे तक आएंगी, तब तक किडनैपर बनकर फोन करूंगी कि पूरे 1000 रुपए अनु को भेजे, तो अपने आप ये मुझे दे देगी। अरे दीदी लेकिन अगर वो चोर कहेगा कि अनु के हाथ में जाना है, वो अनु को ही सौंपेंगे। अरे वो क्यों कहेगा, उसकी डील तो मेरे साथ है ना। हाँ लेकिन अगर वो कहेगा ना, वो कहेगा 100%। तू इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है? क्योंकि मुझे पता। Oh no! मतलब आप कैसे इतने कॉन्फिडेंट हो कि वो नहीं कहेगा?
क्योंकि उसने मम्मी को छोड़ दिया। मम्मी मम्मी हाँ? मम्मा आप इधर कैसे? आप तो 10-11 बजे आने वाले थे। अरे प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो मैं घर आ गई और मुझे भूख भी बहुत लगी थी। अभी वो जो किडनैपर का 1,000 रुपए था वो बच गया ना, अभी उस 300 रुपए से हम पिज्जा पार्टी करेंगे। नहीं, नहीं, मैं अपने 300 रुपए नहीं दूंगी। अरे वो तो किडनैपर ले लिया ना। अरे लेकिन हो क्या रहा है अनु? अरे मम्मा आज ये मुझसे 200 रुपए मांग रही थी, मैंने नहीं दिया और आपने कहा कि अब रात के 10-11 बजे तक आओगे, तो इसने एक प्लान बना लिया जिससे ये मुझसे 750 रुपए झटक लेगी और इसलिए पूरा किडनैप का नाटक किया। बट आप जल्दी आ गए ना तो इसका पूरा नाटक खराब हो गया। मेरा 300 रुपए मत लो। मम्मी आज मैं ये बात सीख गई हूँ कि कभी कभी ज्यादा होशियारी करने हम पर ही भारी पड़ जाती है। जैसे कि अभी ये मेरे पैसे जो मेरे हो गए। लेकिन बड़ा पीस मेरा मेरे पैसे से आ रहा है। नहीं गाइस प्लीज मेरे इस 300 रुपए जाने के लिए लाइक करो इस वीडियो को और हमारे इस वीडियो को शेयर करो जिससे बाकी किसी का भी 300 रुपए ना जाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए। 1 मिलियन की फैमिली तक पहुंचाना है ना। और गाइस हमें इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे फॉलो करना तो बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स रहते हैं। और हाँ कुक भी थासा को सब्सक्राइब किया कि नहीं? अगर नहीं किया तो अब भी जाके तुरंत पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।